नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वशीकरण स्पेशलिस्ट में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप दो लोगों को अलग कर सकते हो। अगर आपके पति या आपकी पत्नी हो गए हैं किसी गलत रिश्ते का शिकार और आप चाहते हो उन्हें वापस अपनी जिंदगी में लाना, तो आप इस उपाय को जरूर करना, क्योंकि इस उपाय से आपके जो पति हैं वो हमेशा हमेशा के लिए आपके हो जाएंगे। और अगर कोई तीसरी औरत उनकी ज़िंदगी को में घुस गई है या फिर आपकी ज़िंदगी को परेशान कर रही है, तो आप उसे अपनी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर कर सकते हैं इस एक उपाय से। दोस्तों, उपाय करना बेहद ज़रूरी है। ये उपाय पूरी तरह से तंत्र शास्त्र के अनुसार बनाए जाते हैं, तो ये आपके हर काम को करने में आपकी मदद करते हैं। अगर आप चाहते हैं दो लोगों को अलग करना, किसी भी गलत रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप इसे कर सकते हैं। अगर महिलाएं इस उपाय को करती हैं तो उन्हें इसके लिए अपने पति और साथ ही साथ जो वो तीसरी औरत है, जो महिला है जो आपके पति के साथ अपने संबंध बना रही है, उसका एक फ़ोटो चाहिए होगा। इस बात का ध्यान रखें कि फ़ोटो बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। 3 साल के अंदर अंदर अगर कोई फ़ोटो है तो आप उसे ले सकते हैं। 3 साल से ज़्यादा पुराना फ़ोटो आपको नहीं लेना है, उस महिला का भी और अपने पति का भी। दोनों का फ़ोटो ले लीजिए। इस तरह से मैं आपके सामने अभी ये कागज़ के टुकड़े पर ये करके बताती हूँ कि इसको कैसे करना है। करना बेहद आसान है, बस आपको दोनों का एक एक फ़ोटो लेना होगा। मान लीजिए कि ये आपके पति का फ़ोटो है, पति का फ़ोटो एक साइड में आपको रखना है, और जो महिला है जो भी तकरार उत्पन्न कर रही हैं जिनकी वजह से, उनका फ़ोटो आपको एक जगह ले लेना है इस तरह से। अब ये दो फोटो आपके सामने आपको रखने हैं और उसके बाद आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है। इस बात का ध्यान रखें कि जब भी इस उपाय को करें, आप नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर इसे करें। माहवारी के दिनों में आपको इस उपाय को नहीं करना है। दोस्तों, इस उपाय को आपको दिन के समय करना है, तो इस बात का भी ध्यान रखें कि जब आप इस उपाय को कर रहे हो, आपके आसपास में कोई ना हो, कोई आपको टोके ना कि आप ये क्या कर रहे हो बैठ के। आपको एकांत जगह में बैठकर इस उपाय को करना है। अपने सामने दोनों फोटो रख लीजिए, पूरब दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है और फोटो अपने सामने रख लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है। तो दोनों फोटो को सामने रखने के बाद आपको बोलना है ओम क्रीम क्रीम क्रीम, अपने पति का नाम और फिर उस महिला का नाम, और उसके बाद बोलना है सर्व संबंध नष्ट कुरु कुरु क्रीम क्रीम क्रीम। ये मंत्र दोस्तों आपको बोलना होगा 108 बार। एक बात का ध्यान रखिएगा कि कोई भी काम जब आप ध्यान से करते हैं, जब आप पूरी श्रद्धा के साथ जब किसी काम को करते हैं, तो उसकी पावर बढ़ जाती है, उसमें एनर्जी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसकी वजह से आपका काम अगर 2 दिन में होने वाला है तो 1 ही दिन में हो जाता है। तो पूरी श्रद्धा के साथ आपको इस उपाय को करना है, क्योंकि ये तंत्र शास्त्र के अनुसार आज हम आपको उपाय बता रहे हैं जो कि पूरी तरह से काम करता है और आपका काम भी ज़रूर होगा। तो सामने फोटो रखने के बाद आपको जो मंत्र बोलना है दोस्तों, इसे आप सामने लिख लीजिएगा, जिससे कि किसी भी तरह की कोई गलती ना हो। मंत्र है ओम क्रीम क्रीम क्रीम, पति का नाम, फिर उसके बाद उस महिला का नाम, और फिर आगे बोलना है सर्व संबंध नष्ट कुरु कुरु क्रीम क्रीम क्रीम। मान लीजिए कि आपके पति का नाम अगर मनोज है, मैं यहाँ पे आपको लिख के पूरा ये करके बता देती हूँ कि आपको किस तरह से इसे करना है, और उस महिला का नाम मान लीजिए कि सरिता है। इस तरह से आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे मनोज लिखा है, यहाँ पे सरिता लिखा है। अब आपको मंत्र क्या बोलना होगा, ओम क्रीम 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 मनोज सरिता सर्व संबंध नष्ट कुरु कुरु क्रीम क्रीम क्रीम। इस तरह से आपको इस मंत्र का उच्चारण 108 बार करना है, और उसके बाद जिस समय आप ये काम कर रहे होंगे उसी समय आपको क्या करना है, अपने पति वाला जो फोटो है, फोटो को इस तरह से मोड़ लीजिए, और उसके बाद इसे आपको अपनी अलमारी में रख देना है। इस तरह से रखना होगा आपको कि किसी की नज़र इस पे ना पड़े, और जो उस महिला का फोटो है उसे आपको लेकर जाना है, और अपने घर के पास में अगर कोई बहता हुआ पानी मिल जाए तो वहाँ पर आपको फोटो को एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे फाड़ देना है। इस तरह से फाड़ के आपको इसे बहते हुए पानी में डाल देना है, जिससे कि ये फोटो जो है आगे की तरफ बह जाए। अगर मान लीजिए आपके घर के पास में कोई भी बहता हुआ पानी नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको करना है कि फोटो को फाड़ने के बाद आपको किसी भी सुनसान जगह पर जाना है जहाँ पर कोई आपको पीपल का पेड़ मिल जाए। पीपल के पेड़ के पास में आपको छोटा सा एक गड्ढा खोदना है, और उसके बाद इस फोटो के जो टुकड़े हैं वहाँ पे रख के ऊपर से मिट्टी से इसको दबा देना है। दोस्तों, इस बात का यकीन मानिए कि शाम होते होते जिस समय भी आप इसे कर रहे होंगे, उसके मात्र 4 से 5 घंटों के अंदर अंदर
आपके पति और उस महिला का बहुत ही ज्यादा बड़ा झगड़ा हो जाएगा, उनके बीच में कोई ना कोई गलत फहमी हो जाएगी और उनका रिश्ता टूट जाएगा। आपको बस पूरी श्रद्धा से इस उपाय को एक बार करना है। अगर आपका कोई भी सवाल हो दोस्तों, तो हमारे वीडियो की स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पर कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारे वीडियो की कमेंट सेक्शन में कई बार बहुत सारे लोग अपना नंबर लिख देते हैं, उस नंबर पर आपको कॉल नहीं करना है, क्योंकि वो सब फ्रॉड नंबर्स होते हैं। उस नंबर पर कॉल करके बस आपको परेशानी होगी। तो आपको ये पूरी विधि करनी है और उसके बाद अगर आप देखेंगे कि कुछ ही घंटों के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।